पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सिविल लाइन में चल रहे मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ और भजन संध्या में आज भगवा कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 151 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा में प्रतिभाग किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पना रितेश गुप्ता और प्रिया अग्रवाल रही। संध्या सत्र में देव पूजन प्राण प्रतिष्ठा नवग्रह यज्ञ आचार्य कृष्णा स्वामी जी और कमेश मिश्रा विशेष शुक्ला शशिकांत जी के द्वारा कराया गया। मुख्य यजमान महेश बंसल मधु बंसल रहे। इस अवसर पर के गुप्ता, हरिगोपाल शर्मा, के एन सक्सेना, दिनेश अग्रवाल, सुधीर श्रीवास्तव, राजीव अग्रवाल उर्फ मल्लू, नरेश सक्सेना, अवनीश सक्सेना के साथ बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम के साथ सर्वप्रथम कलश यात्रा निकाल के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पीले वस्त्र पहने हुए महिलाओं ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर पर कलश धारण कर महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान सभी ने मां पीताम्बरा की भक्ति में लीन होकर ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। महायज्ञ का आयोजन कराते आए हैं। ये इस वर्ष 27वां वर्ष है, जो कि महायज्ञ के रूप में पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल को देखते हुए, महामारी को देखते हुए हम लोग एक औषधीय यज्ञ कराते हैं, जिस औषधीय यज्ञ से एक ये बड़ा फायदा होता है कि महामारी और ये कीटाणु इससे कम होते हैं, असर उनका कम होता है। लेकिन इस बार का 27वां वर्ष ये महामारी के साथ साथ विश्व शांति यज्ञ होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हमने आज से की है। क्योंकि आज के विषय में हम देख रहे हैं देश आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मनमुटाव हो रहे हैं, उसको ध्यान देते हुए क्योंकि हम प्रत्येक दिन विश्व शांति के लिए यज्ञ करेंगे। और 29 जनवरी को एक विशेष मां पीताम्बरा बगलामुखी यज्ञ है, जिसमें सभी महानगरवासी अपने महानगर की शांति के लिए और विश्व शांति के लिए महायज्ञ करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है, प्रत्येक घर से प्रत्येक व्यक्ति आए और कम से कम 5 आहुति देख के चार। पब्लिक टीवी
आपकी आवाज़।